इंडियन आर्मी ओपनली भर्ती 2022। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो कंप्लीट देखेगा, तभी सभी क्वेश्चन के आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। अगर मैं आपको यहाँ पर इस भर्ती की एजुकेशन क्वालिफिकेशन और वैकेंसी के बारे में बताऊँ तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जो ट्रेडमेंट 10th पास और ट्रेडमेंट 8th पास की वैकेंसी होगी उसके लिए जो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा, अगर आप सिंपल 10वीं और 8वीं पास कैंडिडेट है यानी कि 8th पास या फिर 10th पास आपने किया हुआ है तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्लस आपको यहाँ पर कुछ अदर वैकेंसी भी दी गई है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो इंडियन आर्मी की ओर से नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस भर्ती में भारतीय किसी भी राज्य से आप भाग ले पाएंगे। सिंपल 8वीं और 10वीं पास कैंडिडेट यहाँ पर इस भर्ती के लिए भाग ले पाएंगे। आपको यहाँ पर दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। 25 अप्रैल से आपके यहाँ पर दौड़ भी स्टार्ट हो जाएगी। कौन से कैंडिडेट को यहाँ पर कब कब जाना होगा यानी किस स्टेट के कैंडिडेट को कब जाना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने उसकी जानकारी भी मैं आपको इस वीडियो में आगे दे दूंगा। आपको जहाँ पर वैकेंसी दी गई है जीडी कांस्टेबल क्लर्क ट्रेडमैन प्लस आपको यहाँ पर कुछ अदर वैकेंसी भी दी गई है। सभी वैकेंसी की जानकारी के लिए वीडियो कंप्लीट देखते रहना है। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको उन्हें तभी लाइक करना नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। जो इस भर्ती का रिक्रूटमेंट और उसका नेम रहेगा, इंडियन आर्मी की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ यानी कि भारतीय सेना की ओर से यहाँ पर भर्ती चलने वाली है। आपको जहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी दी है तो नोट मेंशन यानी कि नहीं बताया कितनी वैकेंसी यहाँ पर इस बार निकाली गई है। और कभी भी इंडियन आर्मी जब भी नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करता है तो उसमें मेंशन नहीं करता कितनी वैकेंसी यहाँ पर इस बार निकाली गई है। जो पोस्ट नेम होगा, टोटल आपको यहाँ पर 5 प्रकार की वैकेंसी दी गई है। जनरल ड्यूटी यानी जीडी के लिए होगी, क्लर्क, नर्सिंग असिस्टेंट, ट्रेडमेंट 10th पर, ट्रेडमेंट 8th पास के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। इस भर्ती का जो अप्लाई मोड होगा डायरेक्ट भर्ती होगी यानी जिस एड्रेस पर मैं आपको बताऊंगा उस एड्रेस पर आपको प्रेजेंट होना होगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने उसकी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में आगे दे दूंगा। अगर हम इस भर्ती के फिजिकल डिटेल के बारे में बात करें यानी कि जो आपका हाइट रहेगी सभी कैंडिडेट के लिए 70 सेंटीमीटर, क्लर्क की जो वैकेंसी होगी उसके लिए 62 सेंटीमीटर, अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट है यानी कि अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट इस जोन में आती है, जो आपकी हाइट रहेगी सभी वैकेंसी के लिए 157 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तब भी आप इस भर्ती के लिए भाग ले पाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये मालूम नहीं है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है, वहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम बताना है तो आपको रिप्लाई करके बता दूंगा जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है। तो नीचे हो सके तो कमेंट बॉक्स में डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम जरूर बताकर जाना। जो आपका यहाँ पर वेट होना चाहिए 50 kg, आपका वेट कम से कम होना अनिवार्य है। जो आपके यहाँ पर चेस्ट होना चाहिए 70+5 सेंटीमीटर का फ्लो भी होना अनिवार्य केवल और केवल मेल कैंडिडेट के लिए। जो आपके यहाँ पर रनिंग टेस्ट होगा यानी दौड़ होगी 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर के लिए जो आपको हमें दौड़ लगानी होगी, अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड से कम में कंप्लीट करेंगे तो आपको यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप में लिया जाएगा यानी कि आपको 60 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करते हैं तो आपको यहाँ पर सेकंड ग्रुप में लिया जाएगा यानी कि आपको 48 मार्क दिए जाएंगे। पुशअप्स आपके यहाँ पर 10 होंगे और जो आपको यहाँ पर पुशअप्स लगाने होंगे उसके भी आपको यहाँ पर अलग अलग नंबर दिए जाएंगे। जैसे कि अगर आप 10 पुशअप लगाएंगे तो आपको 40 नंबर मिलेंगे, 8 लगाएंगे तो 27 नंबर मिलेंगे और 6 लगाएंगे तो 16 मिलेंगे। अगर आप 6 से कम लगाते हैं तो आपको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इस भर्ती का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा, अगर आप सिंपल 8वीं 10वीं 12वीं पास कैंडिडेट हैं तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मैं नोटिफिकेशन में बता दूंगा, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जो यहाँ पर ट्रेडमैन की वैकेंसी होगी उसमें सिंपल 10वीं पास होना अनिवार्य है या फिर 8वीं पास होना अनिवार्य। जो 8वीं पास की वैकेंसी होगी स्टोर कीपर, मेस कीपर आदि के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। जो यहाँ पर जनरल ड्यूटी की वैकेंसी होगी यानी जी डी की वैकेंसी होगी, सिंपल 10वीं पास होना अनिवार्य है, 33% आपके हर सब्जेक्ट में होना अनिवार्य है और टोटल जो आप करेंगे 45% आपके यहाँ अंक होना अनिवार्य है। जो आपके यहाँ पर क्लर्क की वैकेंसी होगी इसमें सिंपल 10+2 यानी कि 12वीं पास होना अनिवार्य 60% अंकों के साथ और हर सब्जेक्ट में आपके 50 नंबर भी होना अनिवार्य है। जॉब लोकेशन और एग्जाम सेंटर जो आप करेंगे ऑल ओवर इन इंडिया यानी कि पूरे भारत में कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। आपको जहाँ पर पे स्केल होगा यानी कि जो आपको सैलरी दी जाएगी 21,700 लेकर 29,000 रुपये पर मंथ तक कब का पे स्केल लेगा यानी काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। इस भर्ती का जो एप्लीकेशन फीस होगा सभी कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री होगा। यू आर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल फ्री में आप इस भर्ती के लिए भाग ले पाएंगे। आपको जहाँ पर एज लिमिट रहेगा जनरल ड्यूटी पोस्ट के लिए 17.5 ईयर से लेकर 21 ईयर
और जितनी भी अदर वैकेंसी रहेगी 17.5 ईयर से लेकर 23 ईयर के बीच में अगर आप कीजिए तो भी आप इस भर्ती के लिए भाग ले पाएंगे। आपको यहाँ पर एज में कोई छूट भी नहीं दी जाएगी, यानी कि जो एससी और एसटी वालों को 5 और 3 छूट मिलती है वो रूल यहाँ पर इस भर्ती में लागू नहीं होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। इस भर्ती फिजिकल डिटेल में पहले ही बता चुका हूँ, अधिक जानकारी के लिए वीडियो को पॉज करके भी आप यहाँ पर सभी जानकारी ले पाएंगे। इस भर्ती का जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, सबसे पहले आपको फिजिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, रिटन एग्जाम होगा यानी कि लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। अगर आप इस भर्ती के हिंदी में जानकारी लेना चाहते हैं आपको यहाँ पर क्लिकर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जिस पेज पर आपको हिंदी में जानकारी प्रोवाइड की गई है। ऑनलाइन मोड से आवेदन करने के लिए आपके पास इन डॉक्यूमेंट की जीरोक्स प्लस इनकी जानकारी होना अनिवार्य है। फोटो सिग्नेचर, एजुकेशन डिटेल, डोमिसाइल, कार्ड सर्टिफिकेट, एफिडेविट, पैन कार्ड, आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर किसी कारण से आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन भी नहीं कर पाएंगे, यानी कि आधार कार्ड का होना बेहद जरूरी है। इस भर्ती की ओपन रैली की डेट दी गई है 25 अप्रैल से लेकर 13 मई तक आपकी ओपन रैली भर्ती चलेगी, यानी 25 अप्रैल 2022 से आपकी दौड़ स्टार्ट होगी। जो लास्ट दौड़ रहेगी 13 मई 2022 तक आपको यहाँ पर दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। इस भर्ती का जो एड्रेस होगा, एड्रेस भी आपको हमारी वेबसाइट पर दिया गया है, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। द्वारिका, अहमदनगर, कोल्हापुर, नासिक में आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा। कौन से कैंडिडेट को कब बुलाया जाएगा उसका जानकारी मैं आपको नोटिफिकेशन में ही दे पाऊंगा। इस भर्ती का शॉर्ट नोटिस डाउनलोड करने के लिए, फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर आ जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप के लिंक आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। इस भर्ती का शॉर्ट नोटिस आपको यहाँ डाउनलोड करना है, फुल नोटिफिकेशन आपको यहाँ से डाउनलोड करना होगा। जैसे आप यहाँ पर शॉर्ट नोटिस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस भर्ती का शॉर्ट नोटिस आ जाए। कोल्हापुर में जो आपकी ओपन रैली की भर्ती चलेगी 25 अप्रैल से लेकर 13 मई के बीच में चलेगी, और इन इन डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर जाना होगा। जो अदर डिस्ट्रिक्ट की दौड़ होगी उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। अहमदाबाद में 28 मार्च से होगी और 18 मई और 15 जून से आपके यहाँ पर ओपन रैली भर्ती चलेगी। आपके डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पर नेम दिए गए हैं और इस भर्ती का फुल नोटिफिकेशन आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। फुल नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।